पंजाब में कैप्टन सरकार के सत्ता में आए 100 दिन हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में 80% नशे का खात्मा करने का जहां दावा किया है, वहीं पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का कहना है कि पंजाब में नशे का बोलबाला अभी भी चरम पर है और महिलाएं भी इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। हालांकि सरकार ने इस पर काफी हद तक काबू भी पाया है, मगर नशे को जड़ से खत्म करने के लिए अब धार्मिक संस्थानों और एनजीओ की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। इथे पोस्ट है, इथे जड़ियां तुसी जिनु चिट्टा या गोलियां कह देने हैं, और छोटी छोटी आबादियां दे विच, और ये भी गल थोड़ी दुरुस्त है कि इदे च जड़ियां औरतां हैं, साड़ियां खवातीन हैं, वो भी नशे की जद दे विच पहुंच चुकी हैं, और ये जे इस नूं पंजाब नूं इनूं इहदे चों मुक्त करना है, तो मैनूं लगता है कि सानूं सारियां नूं सिर नाल सिर जोड़ना पैना है, हथ नाल हथ जोड़ना पैना है। गौरमेंट एक इदारा है, गौरमेंट तो इलावा जिहड़े साडे धार्मिक लीडरशिप है, असी उन्हां दा सानूं सारा लैना पैना है, साडे जिहड़े एनजीओज है उन्हां दा सारा सानूं लैना पैना है, जिहड़े मां बाप है बच्चों के जिहड़े कि इस इहदी गिरफ्त दे विच आ चुके हैं, उन्हां नूं अपना रोल है, अपना किरदार अदा करना पैना है। और जितों तक सरकार दा है, इहदे दो पहलू है, एक तो इनफोर्समेंट है कि नशा जिहड़ा है इह पहुंच ना सके, किसी दे हथ च वी ना आ सके, और उहदी जड़ तक या उहदी तह तक पहुंचीए जिहड़े नशे की जिहड़ी लोग तस्करी करदे आ या कित्थों आउंदा है। और दूसरा सरकार की जिम्मेवारी है कि जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं कोई आस कोई उम्मीद की किरण मैनूं नौकरियां की शकल दे विच कोई कारोबार कोई किता कोई पेशा कोई धंधा ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਪੁਰਖਲੂਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਯੂਨੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।